प्रश्न 18, एक सीढ़ी का पैर दीवार की जड़ से 15 मीटर की दूरी पर है और उसकी चोटी 20 मीटर ऊंची एक खिड़की पर पहुंचती है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो कह रहा है एक सीढ़ी का पैर दीवार की जड़ से 15 मीटर की दूरी पर है और उसकी चोटी 20 मीटर ऊंची एक खिड़की पर पहुंचती है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए, पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो मान लेते हैं ये है ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाएगा, कैसे बनाएगा देखिए। कह रहा है एक सीढ़ी का पैर दीवार की जड़ से 15 मीटर की दूरी पे है, तो ये है सीढ़ी का पैर। देखिए, सीढ़ी का पैर हो गया, सीढ़ी तिरछा लगता है, कहीं भी लगाते हैं सीढ़ी तो तिरछा लगाते हैं इस तरह से, तो सीढ़ी का पैर हो गया। तो सीढ़ी का पैर दीवार की जड़ से, ये हो गया दीवार, ठीक है, ये हो गया दीवार। दीवार सीधा रहता है, धरती पे लंब होता है दीवार, यानी धरती के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि दीवार जो होता है धरती के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। और ये हो गया सीढ़ी का पैर, तो दीवार की जड़ से, ये सीढ़ी का पैर दीवार की जड़ से 15 मीटर की दूरी पे है, ये कितना है 15 मीटर। ठीक है, ये है 15 मीटर, और उसकी चोटी 20 मीटर ऊंची एक खिड़की पर पहुंचती है। देखिए, यहाँ पे है खिड़की का चोटी, तो यह है 20 मीटर ऊंची, यानी यहाँ पे है 20 मीटर ऊंची एक खिड़की। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें, यानी ए सी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ए बी क्या है, ए बी है खिड़की, यानी खिड़की की ऊंचाई है 20 मीटर, तो 20 मीटर ऊंची एक खिड़की पर पहुंचती है। तो खिड़की तो पूरा में होता नहीं, आधा दीवार होता है आधा खिड़की होता है। ठीक है, तो ए बी हो गया खिड़की का ऊंचाई, और बीस ये ए सी हो गया सीढ़ी। तो समकोण के सामने वाला भुजा, यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये कर्ण हो गया समकोण त्रिभुज में, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, सीढ़ी खिड़की ये सब, क्या ये सब मिलके क्या बना रहा है, एक समकोण त्रिभुज। क्योंकि खिड़की जो होगा, मकान दीवार पे जो खिड़की लगा हुआ होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, धरती के साथ लंब होता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है धरती के साथ। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आधार, ये हो गया आधार, और ये हो गया लंब, ये हो गया लंब। ठीक है, तो कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है समकोण त्रिभुज में, लंब और आधार से बड़ा होता है कर्ण। तो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, तो लंब का वर्ग और आधार का वर्ग को जोड़ देंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो वही कर्ण हो जाएगा। देखिए, इन दोनों का वर्गों को जोड़ देंगे और उसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे माना माना ए बी, माना ए बी एक खिड़की है, और ए सी एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी है, माना ए बी एक खिड़की है और ए सी एक सीढ़ी है। देखिए, ए बी क्या है, खिड़की है, और ए सी सीढ़ी है, यह मान लेंगे। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर होता है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण बराबर
सूत्र क्या होता है कर्ण निकालने का? तो समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग का अंडर रूट। कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। तो लंब कितना है? देखिए 20 मीटर है। तो कर्ण यहां पे कौन है? एसी कर्ण है, एबी, एबी क्या है लंब है और बीसी आधार है। तो कर्ण कौन है? एसी। तो एसी बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब है एबी, तो एबी का वर्ग, देखिए लंब का वर्ग तो लंब के जगह पे एबी लिख लेंगे और आधार कौन है बीसी, तो बीसी का वर्ग इस तरह हम लिख लेंगे। तो एसी ज्ञात करना है, तो एबी लंब कितना दिया हुआ है 20 मीटर यानी 20 का वर्ग कर देंगे जोड़ आधार कितना दिया हुआ है 15 मीटर यानी 15 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो एसी ज्ञात हो जाएगा अब, तो 20 का वर्ग यानी 20 गुना 20 हो जाएगा 400, 15 का वर्ग 15 गुना 15 225 और इसका अंडर रूट कर देंगे तो 400 जोड़ 225 कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा, यानी कितना आ गया अंडर रूट 625। तो 625 का वर्गमूल होगा 25, तो एसी बराबर कितना आ गया 25 मीटर। सब मीटर में यहाँ पे दिया हुआ है लंब और आधार, तो एसी यानी सीढ़ी की लंबाई कितना हो गया 25 मीटर। तो क्या पूछ रहा था, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें, तो सीढ़ी की लंबाई देखिए आ चुका है, तो लिखेंगे अतः सीढ़ी की लंबाई बराबर 25 मीटर, यानी सीढ़ी की लंबाई कितना है 25 मीटर, इसका उत्तर आ जाएगा 25 मीटर। तो प्रश्न 18 हम इस तरह से हल करेंगे।